It's been such an illustrious year for our track and field athletes. I can't wait to find out who will walk home with the trophy. No surprise at all. We've got the award for Sportsman of the Year, Track and Field. Ladies and gentlemen, we come to our next award, which is Sports Star of the Year, Male. And Sports Star of the Year is Neeraj Chopra. Congratulations! Thank you. Namaste, sabhi ko. और 3 महीने से ट्रेनिंग पे था, काफ़ी टाइम बाद माइक हाथ में आया तो काफ़ी अजीब लग रहा है, पर थैंक यू, बहुत ही प्रेरित करते हैं कोई भी अवार्ड और मेडल्स हमको, थैंक यू स्पोर्ट्स स्टार। और मैं यही बोलना चाहूँगा कि हम सभी एथलीट्स बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे आगे भी और कोशिश करेंगे कि अपने फ्लैग को और ऊपर लेके जाएँ वर्ल्ड में। थैंक यू नीरज जी, आपने कहा था कि काफ़ी महीनों के बाद आपने माइक पकड़ा है, अब प्लीज़ आप आराम से बात करिए, बस फेंक मत दीजिएगा क्योंकि हमें कभी वापस ही नहीं मिलेगा। हाउ डिड यू चूज जैवलिन? मैं खुद इसका जवाब ढूंढता हूँ। मैं बस ग्राउंड पे तो मैंने बोला है कि मैं काफ़ी मोटा था और फिटनेस के लिए गया था, लेकिन एक पैशन बन गया था मेरा जैवलिन के प्रति, और जब भी मैंने पहली बार जैवलिन को देखा तो एक दिल को छू गया था ये स्पोर्ट्स, क्योंकि बाकी सभी स्पोर्ट्स थे स्टेडियम में, लेकिन जैवलिन ही मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया, क्योंकि जब हम उसको थ्रो करते हैं वो पीछे से हिलता हुआ जाता है और फिर आगे जाके गिरता है, तो वो मुझे बहुत पसंद आया और मेरे मन में भी था कि मुझे भी इतना दूर फेंकना है, तो वो एक नेचुरल सी चीज़ थी, वो आज भी मुझे इतना ही पसंद है और आशा करते हैं कि और दूर फेंकेंगे उसको। 100% नीरज भाई, तो आप काफ़ी स्मार्ट हो, इतना सुंदर दिखते हो, मगर ये इंस्टाग्राम पोस्ट जो आप लगाते हैं ना, यू आर ऑल्सो कैरिंग द कैमरा ऑन योर आर्म, माने कि डू यू हैव अ इंस्टाग्राम टीम दैट सभी के सामने शर्म आ रही है? नहीं, मुझे फोटोग्राफी का, मैं आज सर के साथ, मेरी फ्लाइट थी अभिनव सर के साथ और काफ़ी हमने बातें की, बहुत कुछ सीखने को मिला, और मैं बता रहा था कि मुझे खुद फोटोग्राफी का काफ़ी शौक है और मैंने अभी टोक्यो से पहले कैमरा लिया था नया, और अच्छी अच्छी फोटो खींच रहा हूँ सर अभी मैं। कोई कंप्लेन नहीं कर रहा सर, बहुत खुश हैं लोग कि आप फोटो भी खींचते रहिएगा। आज मेरे अंकल जी मेरे साथ आए हैं और उनका आज फर्स्ट फ्लाइट था लाइफ का, तो बहुत अच्छा लग रहा है कि साथ के साथ फैमिली के साथ बहुत अच्छा लग रहा है। सर कहाँ पे हैं आप? नमस्ते, आइए। मैं सबको बताना चाहूँगा, हमारी जॉइंट फैमिली है तो बहुत ही लगाव है सभी से। The first time I met Neeraj was when he had just won his Olympic medal, he had just returned to India, and when I met him, the thing that impresses me most about him is not just his talent as an athlete, but what a family man he is. He had brought his father with him, he had brought his cousin with him, he has brought uncle with him today. After you won your medal, what was the first thing that you said to your parents? Sir, पेरेंट्स से तो काफ़ी बाद में बात हुई, पहले पूरा मीडिया से और उनसे सभी से बात कर रहा था, पर बहुत बट पेरेंट्स से मैंने कुछ बोला ही नहीं, क्योंकि कैसे उनको थैंक यू बोलूं, क्योंकि बहुत बड़ा डिसीजन था जब मैं स्टेडियम में भेजा उन्होंने, और एक ऐसे स्पोर्ट्स को चुनने के लिए मुझे हेल्प किया जो जिसके बारे में पता ही नहीं था, खुद मुझे भी नहीं पता था मैं क्या कर रहा हूँ, तो वो एक बहुत बड़ा डिसीजन था वो, और मैं थैंक यू बोल नहीं सकता उनको। और अंकल, मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूँ, कैसा लगा आज फ्लाइट पे? बिल्कुल बहुत अच्छा, बड़े गर्व की बात है, मैं अपने देशवासियों के ये कहता हूँ, हर एक बच्चे को ऐसी कामयाबी दें। थैंक यू।